सोलन शहर में आज प्रदेश सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम मादक द्रव्यों के सेवन व मदिरा व्यसन पर रोक के लिए ट्रक, ऑटो, पिकअप व टैक्सी यूनियन के सदस्यों को जागरूक किया गया। जागरूकता कार्यक्रम के तहत सोलन में जिला पुलिस के यातायात प्रभारी राकेश गुलेरिया ने विभिन्न वाहन यूनियनों के सदस्यों से आग्रह किया कि नशे की रोकथाम में पुलिस का सहयोग दें। राकेश गुलेरिया ने कहा कि नशे के व्यापार को छिन्न भिन्न करने के लिए पुलिस को समय पर सूचना देने में विभिन्न वाहन यूनियनों के सदस्य अति महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने ये भी सभी वाहन चालक सोलन जिला के साथ साथ पूरे प्रदेश में व अन्य राज्यों में भी आवागमन करते हैं। इस दौरान उन्हें समाज के विभिन्न वर्गों से असामाजिक तत्वों व नशे के कारोबार करने वालों के बारे में सटीक जानकारी प्राप्त होती है। उन्होंने कहा कि ये जानकारी पुलिस तक पहुंचाना इस वर्ग की नैतिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में विभिन्न यूनियनों से जुड़े वाहन चालकों व अन्य का सहयोग जरूरी है। यातायात प्रभारी ने सभी वाहन चालकों से आग्रह किया कि वह स्वयं नशे से दूर रहें और अपने साथियों को भी नशे की लत से दूर रखें। तो मादक पदार्थों के सेवन और शराब के प्रभाव के दुष्परिणामों के बारे में इन्हें अवगत कराया गया और बताया गया है कि इनके दुष्परिणाम क्या हैं और इनसे क्या क्या हानियां प्राप्त हो, गाड़ी चलाते समय हमें इनसे क्या क्या कैसे बच के रहना चाहिए। क्योंकि ये लोग जो है ये एक कमर्शियल व्हीकल हैं, ये कमर्शियल व्हीकल में ये जो है लगातार जो है ये ट्रैवल करते रहते हैं, तो अगर ये शराब पी के नशा शराब में अगर चालक चलेंगे तो कोई भी हानि अपने आप को पहुंचा सकते हैं या दूसरे को पहुंचा सकते हैं, जिससे पारिवारिक स्थिति जो है कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। इस चीज़ को रोकने के लिए इनको बार बार जो है इस चीज़ को जो है ये कंपेनिंग के द्वारा इनको अवगत कराया जा रहा है। इनके साथ साथ तो लोगों को जो छोटे दो पहिया वाहन में बच्चे जो गाड़ियाँ चलाते हैं, जो छोटे बच्चे हैं उनको भी और अभिभावकों को भी जो है कंपेनिंग के द्वारा जो बुलाया जा रहा है और बुलाया जाएगा कि इसके दुष्परिणाम क्या होते हैं।